शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रातःकाल जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। स्कंद माता स्वरूप माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद माता स्वरूपरिणी देवी की चार भुजाएं हैं। माँ का वर्ण पूर्णता शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा आराधना गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रातः काल में 4 से 6 बजे तक एवं सायंकाल में समस्त अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर के दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी रहा। दोनों समय में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुष्ठान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुए। पावन शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की चरण पादुका का पूजन योगी कमलनाथ जी ने किया। आरती में संस्कृत विद्यापीठ के 151 छात्रों पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, दुर्गेश बजाज, विनय गौतम, शुभम मिश्र, शशांक पांडे आदि उपस्थित रहे।